हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। द्वादश ज्योतिर्लिंग सह चार धाम पदयात्रा का 263 दिन आज हो चुका है और मैं पहुंच चुका हूं ब्रह्म कपाल। यहां पर सारे शास्त्रों में वर्णित है इस जगह का उल्लेख कि अगर कहीं से भी पितरों को मोक्ष ना मिले, ब्रह्म कपाल में जरूर मिल जाती है। और ये वही जगह है जिसका उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, सभी पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है। और यहाँ का जो है पितरों का जो तर्पण किया जाता है वो कुछ अपने आप में अजूबा है। जितना आपको फल गया में करने से मिलेगा या फिर हरिद्वार प्रयागराज, उसका 8 गुना ज़्यादा फल मिलता है ब्रह्म कपाल में पितरों का तर्पण करने से और पिंडदान करने से। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर सारी सुविधाएँ कैसी है और यहाँ पर किस तरह आप लोगों को आना। ये देख रहे होंगे यहाँ पिंडदान के लिए पूज्य सभी बैठे हुए हैं और मैं ब्रह्म कपाल तीर्थ के बिल्कुल नज़दीक हूँ। और ये बगल से अलकनंदा जो बहती है और अपनी भयंकर वेग में, तो इस जगह केवल वही लोग आते हैं जिनको तर्पण करनी रहती है। तो यहाँ की एक और खूबी है कि यहाँ पर आने के बाद आपका शरीर खुद ब खुद भारी हो जाएगा, जैसा कि मेरा हो चुका है। तो आपके जो पूर्वज है ना वो आपके सामने नज़र आ जाएंगे यहाँ। तो वीडियो में बने रहें, आगे मैं आपको ब्रह्म कपाल के बारे में विस्तृत जानकारी देता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं ब्रह्म कपाल जहाँ पर ब्रह्म हत्या हुई थी, शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए इसी जगह आना पड़ा था। और ये भगवान ब्रह्मा की एक सर जो यहाँ पर कट के गिरी थी, तो यहीं पर उनकी मुक्ति हुई, पाप से मुक्ति हुई थी शिव भगवान की। और ये वही पत्थर हैं, ब्रह्मा भगवान का सर यहीं पर है और बिल्कुल अलकनंदा के ऊपर। तो इस जगह अकाल मृत्यु जिसकी होती है उसको अगर आप तर्पण करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे सनातन संस्कृति में बहुत सारी ऐसी जगह है जिसका उल्लेख है सभी शास्त्र पुराण में है और इस जगह का ब्रह्म कपाल का अपना ही महत्व है। तो अगर आप बद्रीनाथ आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। और कल के वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा विष्णु भगवान की चरण पादुका जहाँ पर पड़ी थी। और ये बद्रीनाथ पृथ्वी का वैकुंठ धाम कहा जाता है इसे। इधर अंदर में यहाँ पितरों को पिंड दान दिया जा रहा है इसी जगह पर, और ये पूज्य के द्वारा। तो ये जो शिला आपको दिख रही है यही है ब्रह्मा जी की एक सर कट के यहाँ पे गिरा था। और यहाँ पर अकाल मृत्यु जिसकी हो रही है तो उनके मतलब उनके आत्मा को शांति के लिए, तृप्त करने के लिए और मोक्ष के लिए इस जगह से बेहतर आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पर यहाँ प्रमाणित है सारा चीज़। यहाँ आने के बाद जो है आपके पूर्वज जितने भी हैं वो आपके अगल बगल ही रहते हैं और ये ध्रुव सत्य है यहाँ का।